सारी दुनिया को ब्लर करके जिस पर फोकस किया था उसी ने अपनी जिंदगी से क्रॉप कर दिया। ए कैमरा होना कुछ बोलेगा क्या? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे इंसान के ऊपर जो भाई डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, ट्रैफिक पुलिस वाला भी है, छोटा बच्चा भी है, इन्वेस्टिगेटर भी है, सब कुछ है वो। अरे भाई, जोनी सिंस पे वीडियो बना रहा है क्या ये भाई? अपने को इंटरेस्ट ना जोनी सिंस पे, मैं चला भाई। अरे रुको यार, मैं जोनी सिंस पे वीडियो नहीं बना रहा यार, मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और जिसकी मोहब्बत जोनी सिंस है उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ यार। मुझे तो लगा कि मेरी तस्वीर के सहारे उसके कई मौसम गुजरे होंगे, बट हम क्या जानते थे कि उसके लैपटॉप में हमारे नाम के फोल्डर की जगह जोनी सिंस के नाम का फोल्डर छुपा हुआ है। भाई निशु का 18.8 लाख सब्सक्राइबर है और इसके 0.8 भी नहीं है। निशु कहां से अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी? और बात तो तू सही कर रहा है। अबे तेरी कैसे गर्लफ्रेंड होगी निशु? तो देखो यार, वो भी दिल्ली की, मैं भी दिल्ली का, तो बस हो गए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। इस नाते तो बहन भाई हुए ही, यही तो प्रॉब्लम है सोसाइटी की। बहन भाई तो ऐसे बना देंगे जैसे मुफ्त का रिश्ता, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में इनको दिक्कत आ जाती है। यहाँ पे बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। खैर ये एक जोक था, मैं बताने वाला इस वीडियो के अंदर प्रूफ भी देने वाला हूँ कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है भाई। बट उससे पहले बात करते हैं उसके प्रैंक्स के ऊपर। जाओ यार, जाओ प्लीज, जाओ सामान ले लो कुछ यार। अबे घोड़ी जिसको तू जाओ यार जाओ बोल रहा ना, उसके YouTube के ऊपर 18.8 लाख सब्सक्राइबर है, लाइन लगती है लड़कों की उससे मिलने के लिए, और ये बोल रहा है जाओ यार जाओ। एक सेकंड, इस लड़के को क्यों रोस्ट कर रहा है? हमको तो लड़की को रोस्ट करना ना। तो भाई यहाँ पे निशु प्रैंक खेल रही है इस लड़के के साथ, और रोड कंपनी का इतना बड़ा माइक पूरे शोल्डर पर लगा हुआ, वो भी व्हाइट बैकग्राउंड, मतलब कि व्हाइट टॉप के ऊपर, और इस लड़के को बिल्कुल भी एक बार नहीं दिख रहा। फाइनली पीछे से कैमरामैन ने आवाज लगाई होगी कि बहन चुन्नी सा ढकले इस माइक को वरना पता चल जाएगा लोगों को। क्या ले भाई, अभी पहले ही दिमाग घूम रहा है सच में। एक तो तुमने बोल के मेरा दिमाग घुमा दिया, मेरा भी दिमाग यहाँ पे घुमा दिया यार। मतलब इतना बड़ा माइक किसी को दिख ही नहीं रहा, और दूसरे शॉट के अंदर ही लड़की चुन्नी से उसको ढक लेती है। मतलब कि प्रैंक जो था वो फिक्स था यहाँ पर, और ये जितने भी टटपूंजिए थे, मतलब ये लड़का और लड़की, ये भी फिक्स थे, ये भी एटर के लोग थे। बस उस दिन ही मैंने डिसाइड कर लिया कि इस गर्लफ्रेंड के आगे एक्स लगाना जरूरी हो गया। तुमको अभी भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि इसके प्रैंक फिक्स होते तो ये वाला प्रैंक एक और देख लो। मेरा नाम है मोहित सैनी और आज हमारे साथ पंकज दुबे। हाँ, ये निशु तिवारी नहीं है, ये मोहित सैनी, ये भी एक प्रैंकस्टर है भाई, ये भी, इसके भी 4-5 लाख सब्सक्राइबर है। अब मारने वाले हम एक ही तीर से दो निशाने, बट उससे पहले दुबे जी की दुख भरी कहानी सुन लो भाई, विद दुख भरा म्यूजिक। जब उठे तो वो हमारे जस्ट सामने बैठी थी और हमको देखने लगी। हमने बोला आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो बोली कि हमने उसके साथ रेप किया, हेल्प नहीं करेंगे, मतलब अगर उसको पैसा नहीं देंगे, वो भी 1-2 हजार रुपए नहीं, 2 लाख रुपया मांग रही है उसने आपसे। तो यार ये दुबे जी इंसान बनकर यहाँ पे निशु तिवारी की वीडियो में भी आया हुआ है। मतलब कि भाई जो दुबे है वही ईशान है, जो ईशान है वही दुबे है। तो ये बंदा भाई पहले दुबे बन के मोहित सैनी की वीडियो में जाता है, और वही बंदा फिर ईशान बन के निशु तिवारी की वीडियो में जाता है। भाई अब तुम खुद ही समझ जाओ, अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर अगला टॉपिक भी अपने पास, अगला प्रैंक भी है, तुम देखोगे तो तुम्हारी आंखें चक्का चौंध रह जाएंगी। तो यार तुमको तो पता ही है हमारी कंट्री के अंदर रिलीजन के ऊपर बहुत ही गेम चलती है। तो कुछ लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करके प्यार बांटने की कोशिश करते हैं। दोनों में एक सिमिलैरिटी है, दोनों अपना मुनाफा देखते हैं यहाँ पर। तो निशु तिवारी को देख लो, जब कोई टॉपिक नहीं मिलता तो हिंदू मुस्लिम करने लगती, जैसे कि उसने एक प्रैंक बनाया और उसमें वो कहती है कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी, मतलब कि मुस्लिम्स के एरिया में गई हूँ। जब देखोगे तो मुस्लिम का एरिया तो वो दूर दूर तक कहीं दिखता ही नहीं, क्योंकि मैं भी भाई दिल्ली से हूँ। हम लेने आया एक बोतल दो कौए, और यहाँ पर भाई ये बंदी जाके सारे मुस्लिम्स को पकड़ पकड़ के ये बोलती है कि इसमें बॉम्ब है, प्लीज पैसे ले लो और लगा दो इस बॉम्ब को। और सारे मुस्लिम बोलते नहीं बहन, हम नहीं लगाएंगे। एक भी बंदा पुलिस को फोन नहीं मारा एक भी, क्योंकि देखो भाई वीडियो के अंदर परफॉर्मेंस भी तो देनी है ना। जो मार्केट है वहाँ पूरी हिंदू मार्केट है, आपको बस वहाँ जाके रख के आना है, इतना पैसा दूंगी ना आपने जीवन में नहीं सोचा होगा। ऐसे ही भाई ये मुस्लिम और हिंदू वाला प्रैंक खेल दिया हमारे दिल्ली के सीपी में। शायद लोग भूल गए कि हमने भी सीपी के अंदर पब्लिक रिव्यू ले रखे, तो हमको पता है सीपी के अंदर क्या चलता है। फातिमा खान है, मैं आपको बताता हूँ, मैं ना पाकिस्तान से आई थी दीदी, और मैं को ना कोई शादी के बहाने से लाया था। तो देखो यार ये वाला जो शूट है ये कनॉट प्लेस दिल्ली के अंदर किया गया, और कनॉट प्लेस दिल्ली के अंदर जब भी वो यूट्यूबर और जितने भी ये टिकटॉकर विकटॉकर जाते हैं भाई, वहां पे कुछ लोग घूम रहे होते हैं जो आपके पास आकर ये बोलते हैं, अरे भैया वीडियो बनाते हो यूट्यूब पे? हाँ क्यों?
भैया वीडियो में एक्टिंग करते हैं भैया, बस 500 रुपए लेते हैं भाई। 500 तो नहीं है यार, 100 रुपए है मेरे। चलेगा चलेगा भैया, 100 रुपए अभी चलेगा। बस सुन तो ले भाई, 50 रुपए तो मेरे को घर जाने के लिए किराया चाहिए। oh, no. 50 ही तो बचे, और 50 में तो क्या ही एक्टिंग कर लेगा। नहीं भैया डन डन, 50 में भी डन भैया, 50 में भी डन। मैं 50 रुपए तेरे को देता हूँ, मगर एक कोल्ड ड्रिंक पिलानी पड़ेगी भाई तेरे को। ठीक है भाई, डील डन भाई। 50 रुपए तू मेरे को देगा, मैं तेरे को कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, और उसके बदले में मैं तेरे साथ वीडियो में एक्टिंग भी करूंगा। कल फिर वीडियो बनाते हैं। तो यार यहाँ पे निशा तिवारी जो सोशल एक्सपेरिमेंट कर रही है, और ये जो परफॉर्मेंस दे रही है पूरी की पूरी इन किन्नर्स के साथ में, तो खुद ही देख लो इन किन्नर्स ने क्राउड प्लेस के अंदर ही और कितने सारे यूट्यूबर्स के साथ परफॉर्मेंस दे रखी है। फातिमा खान है, मैं आपको बताता हूँ, मैं ना पाकिस्तान से आई थी दीदी। क्या बात है आपकी? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। तो यार अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के आगे एक्स क्यों लगा दिया। अभी भी किसी के आगे नहीं हुई तो बता देना, दूसरा पार्ट भी ले आएंगे। अब मैं आपको देने वाला हूं प्रूफ कि वो बंदी एक्स लगाने से पहले सही में मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। तो दिल थाम के बैठ जाओ, और बता रहा हूँ ये जो पार्ट मैं दिखाने वाला हूँ ये मैं बाद में ट्रिम कर दूंगा, और कोई भी इसको कॉपी नहीं करेगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा, कहीं पे कोई लीक नहीं करेगा। 1 घंटे बाद में इस सेक्शन को ट्रिम कर दूंगा, तो दिल थाम लो। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरी कुछ फोटोग्राफ्स इन निशु तिवारी, जो आपको पता चल ही जाएगा कि यार वो मेरी गर्लफ्रेंड थी यार, मतलब थी तो थी यार, अब क्या कर सकते हैं। तो देखो अब गाइस, 1 2 3 देखो गाइस, कैमरा यहाँ छुपा था गाइस, और ये था एक प्रैंक। क्या प्रैंक करे थे कैमरा के सामने? हाँ पेड़ के सामने। हाय करो अभी। सो यार आई होप वीडियो सबको पसंद आई होगी, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। किसी को हेट नहीं, जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई थी। एंड यस यार निशु दिल के धड़कन है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।